इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वनडे वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान करने के साथ ही महासमर के लिए रणभेरी बज चुकी है। टूर्नामेंट के शुरू होने में 100 दिन से कम रह गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के शेड्यूल के मुताबिक 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच होगा, जबकि आखिरी लीग मैच 11 नवम्बर को क्वालिफायर वन टीम के खिलाफ तय है। आपको बता दें कि विराट कोहली ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में अब तक कई रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन इस बार अपने बोदे पर उनके पास बड़ा धमाका करने का मौका है। दरअसल ये पहली बार होगा जब विराट कोहली अपने बोदे पर वनडे मुकाबला खेल रहे होंगे। ये मैच कोई आम मुकाबला नहीं बल्कि वर्ल्ड कप का मैच होगा, जिसमें भारतीय टीम के सामने साउथ अफ्रीका की चुनौती होगी। 5 नवंबर को इस साल विराट कोहली अपना 35वां बर्थडे मनाएंगे, तो फैंस को उनके ईडन गार्डन में बड़े धमाके की उम्मीद होगी। बहुत से फैंस मान रहे हैं कि ये रोहित शर्मा और विराट कोहली का आखिरी वर्ल्ड कप है। विराट कोहली 2011 वर्ल्ड कप विजेता के भी सदस्य रहे थे। इस साल 5 नवंबर को अपने बर्थडे के दिन कोहली ईडन गार्डन में साउथ अफ्रीका का सामना करेंगे। फैंस को उम्मीद है कि यहां रन मशीन धमाकेदार प्रदर्शन करेंगे। वहीं भारतीय टीम भी बर्थडे पर किंग कोहली को जीत का तोहफा देना चाहेगी। ईडन गार्डन में पिंक बॉल टेस्ट में विराट कोहली शतक भी लगा चुके हैं। इस ग्राउंड पर रोहित शर्मा ने वनडे में दोहरा शतक भी लगाया था। माना जा रहा है कि 34 साल पूरे कर चुके विराट कोहली के लिए यह आखिरी वनडे वर्ल्ड कप होगा। इस बारे में पूर्व धाकड़ ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने यह तक कह दिया था कि भारतीय टीम को विराट कोहली के लिए इसे जीतना होगा, जिस तरीके से 2011 में सचिन तेंदुलकर के लिए खिताब जीता गया था। खैर, विराट कोहली बर्थडे पर बड़ा धमाका करना चाहेंगे। उनकी कोशिश होगी कि इस मैच में वो उसी तरह खेलें जिस कद का उन्हें बल्लेबाज माना जाता है। मौजूदा दौर की रन मशीन कोहली के लिए हर मैच बेहद खास होगा। भारतीय टीम अपने घर में साल 2011 वाला कमाल करते हुए खिताब जीतना चाहेगी। अगर ऐसा हुआ तो 2013 से चल रहा आईसीसी ट्रॉफी जीतने का सूखा भी खत्म हो जाएगा। यहाँ एक बात और बेहद खास है कि ईडन गार्डन रोहित शर्मा का पसंदीदा ग्राउंड में से एक है। यहाँ पर वो वनडे में दोहरा शतक भी लगा चुके हैं। वहीं भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से करेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं टीम इंडिया अपना आखिरी लीग मैच डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। भारत और इंग्लैंड के बीच मैच 29 अक्टूबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की तमाम हर छोटी और बड़ी खबरों की जानकारी के लिए बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।